निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। नमस्कार, मैं मोहितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। राजस्थान पुलिस के मुखिया DGP भूपेंद्र यादव बुधवार को अजमेर आए, जहां उन्होंने पुलिस लाइन स्थित सभागार में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि हैदराबाद की घटना के बाद राजस्थान पुलिस भी सतर्क है। प्रदेश में महिला अपराध व दुष्कर्म की घटनाओं पर खास नज़र रखी जा रही है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिक गंभीर भी हुई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पुलिस सहायता अधिक मुहैया हो, इसके प्रयास लगातार जारी हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर पर इस पर विचार किया जा रहा है। वहीं DGP ने कहा कि आज की बैठक में पुलिस की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा हुई है। पुलिस परिवार की कल्याण पर किस तरह और काम किया जा सके, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। मैंने कुछ समय पहले अजमेर में एक मीटिंग की थी पुलिस के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, उनके परफॉर्मेंस को लेकर। ये मीटिंग उसका फॉलोअप है एक लिहाज से। उसके अलावा कुछ अतिरिक्त एम्फेसिस बार 2-3 चीज़ों पर था जो अगले साल आने वाले वर्ष की हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, प्राथमिकताएं हैं, उनके बारे में चर्चा की आप लोगों से। और एक विशेष बिंदु जिस पर हमने आज अलग से चर्चा की, वो है पुलिस कर्मियों के लिए और उनके परिजनों के लिए, परिवार के लिए जो कल्याण के कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं वेलफेयर के, उनको किस प्रकार से बेहतर ऑर्गेनाइज किया जाए, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके बारे में चर्चा हुई। अजमेर के नागरिकों से, यहाँ की कम्युनिटी से एंगेज करने के लिए, उनके साथ समन्वय कर अजमेर शहर को बेहतर पुलिस देने के लिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उसको रिव्यू किया। और ख़ास तौर पर जो शहर में SP साहब ने अवगत कराया कि जो ड्रग्स को लेकर जो कार्रवाई चल रही है, युवाओं को अवेयर कराने के लिए, उनको सेंसिटिव बनाने के लिए और मादक पदार्थों के व्यापार के विरुद्ध कार्रवाई के लिए, उसके बारे में भी उन्होंने मुझे अवगत कराया। उसके बारे में विस्तार से हमने डायरेक्शन दिए हैं। किस तरह के ऑब्जेक्टिव जो है आपने बताए अभी के चर्चा की है, किस तरह की चर्चा है? ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया, एक तो पुलिस कर्मियों के कल्याण के जो कार्यक्रम है, ताकि वो और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति है, सुकून जो जिसके दिमाग में होता है, वो अपना दायित्व का निर्वहन बेहतर करता है। तो इंश्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो चर्चा इस पर हुई। दूसरे जो अगले वर्ष की 3 प्राथमिकताएं हैं, जो मैंने शायद पिछली बार भी आपसे बात में कहा होगा, संगठित अपराध के खिलाफ अभियान, उसमें विशेषकर मादक पदार्थों और द्रव्यों के खिलाफ, हथियारों के खिलाफ। दूसरा रोड सेफ्टी, किस प्रकार से हम एक्सीडेंट्स कम करें, सड़क पर होने वाली मृत्यु को चेक करें। और तीसरा महिला सुरक्षा के लिए, तो इन तीनों पर भी चर्चा किया। वहीं टोंक में नाबालिग के साथ दुष्कर्म व हत्या की घटना पर DGP भूपेंद्र यादव ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज को आगे आना होगा, अकेले पुलिस के बल पर यह संभव नहीं। देखिए, नवाचार नवाचार के नाम से ही नहीं होते, जो हम करते आए हैं परंपरागत रूप में, उसी को और बेहतर तरीके कर सकें, वही नवाचार होता है। एकदम से नया कुछ क्रांतिकारी तो काम पुलिस में करने को है नहीं, तो तरीके जरूर बदलते रहते हैं, तो वही नवाचार है। तो हमने यही कहा अभी तो कि जो हमारे प्राथमिकता के क्षेत्र हैं 3-4, उसको और बेहतरी तरीके से कैसे हासिल कर सकें, उस पर फोकस करें। सर, कांस्टेबल को IO बनाने का निर्णय लिया गया है, अभी तो हमने नियम बनाया है उसके लिए, उसकी ट्रेनिंग अब जल्दी हम शुरू कर रहे हैं इसी माह, उसकी 1 माह की ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग के बाद अगले वर्ष यानी जनवरी तक ये पहला बैच हमारे उपलब्ध होगा कांस्टेबल्स इन्वेस्टिगेटर्स का, उसके बाद ही कह पाएंगे कि उसमें फ़र्क क्या है। सर, हैदराबाद की घटना के बाद कई स्टेट्स की पुलिस ने इनिशिएट्स दिया था वुमेन सेफ, इस तरह की पॉलिसी निर्धारित हो, एक एडिशनल सपोर्ट टू द वुमेन्स, वो उस पर विचार तो जारी है, लेकिन उसमें समस्या ये है कि जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काम करते हैं, उसमें एक अतिरिक्त साधन चाहिए होते हैं और अतिरिक्त संसाधन की उपलब्धता को तय करना होता है, कहाँ से होगा, फिर जो प्रॉमिस आप करें उस प्रॉमिस को फुलफ़िल कर सकें। ऐसा नहीं कि आज हम एक योजना घोषणा कर दें, कल को उस पर अमल नहीं कर सकें, या तो एक झूठी बात हो जाती है वो। तो उस पर विचार हम कर रहे हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कौन सी चीज़ सस्टेनेबल है,
क्या ऐसा काम हो सकता है जो स्थायित्व जिसमें हो, उस पर विचार कर रहे हैं, जल्दी ही कुछ करेंगे उसमें। गश्ती वाहन जो हमारे चलते वो तो चलते हैं, उनको तो अभी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं हमने, उसमें भी बल्कि जो हेल्पलाइन है उनको और इफेक्टिव बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, इसके लिए भी मैंने गत सप्ताह मीटिंग की है जयपुर पुलिस से भी और हमारे राजस्थान पुलिस के अधिकारियों के साथ भी। वो प्रयास कर रहे हैं कि जो हेल्पलाइन है आपात स्थिति में वो और बेहतर काम कर सके और नीड जहाँ पर हो तत्काल हम सहायता उपलब्ध करा सकें। एक बड़ी घटना हो तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम या कोई नहीं? ये एक साझा प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, पुलिसिंग अकेले पुलिस के बूते की बात नहीं है, पुलिस उसका एक संस्था है, नोडल एजेंसी है, लेकिन पुलिसिंग में समाज का व्यापक कम्युनिटी का बृहत्तर पार्टिसिपेशन जरूरी है। वो हम कैसे बेहतर सहयोग ले सकें, उनसे मिलकर काम कर सकें साझा रूप में, उस पर चर्चा हमने की है। उसमें पेरेंट्स भी उसका हिस्सा हैं, स्कूल्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, ख़ास कर जो हमारे युवक हैं, जो किशोर हैं, उनको टारगेट करते हुए क्या ऐसे प्रोग्राम हो सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर उनमें इनकलकेट कर सकें, उसके बारे में हमने बात की है। तो देखें अभी आगे प्रोग्राम करेंगे तो कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र में बेहतर नतीजे प्राप्त कर सकें। कोई अभियान चलाने का? ऐसे विशेष अभियान का नाम तो हम नहीं देना चाहेंगे, वर्ष भर की प्राथमिकताओं में है ये, बट इसे अजमेर पुलिस साथ में हमारे जो कम्युनिटी पुलिस विंग है वो और यहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं और लोग हैं, उनके साथ मिलकर इस कार्यक्रम को चलाएंगे।